जयपुर विकास आयुक्त टी रविकांत ने भूखंडों के उपविभाजन और पुनर्गठन की ऑनलाइन सेवाएं वेबसाइट पर लॉन्च की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को पारदर्शिता के साथ आसान और सरल प्रक्रिया के तहत सेवाएं मिले, कम से कम जेडी आने की आवश्यकता पड़े, ये जेडी की पहली प्राथमिकता है। जेडीसी ने बताया कि इन सेवाओं के अतिरिक्त 6 सेवाओं को पूर्व में ऑनलाइन कर दिया गया था। वहीं आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने में आमजन को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आवेदक की पत्रावली किस स्तर पर कितने समय से लंबित है। वहीं ऑनलाइन होने से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पत्रावली को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखेंगे और पत्रावली का निस्तारण शीघ्रता से होगा। ये जैसे कि आप जानते हैं कि जेडीए में हमारा जो कस्टमर सर्विस के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, उसको देखते हुए जो भी सेवाएं हैं पब्लिक को जो देते हैं वो पारदर्शी हो और आसान हो, और ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पे आना पड़े लोगों को। सर्विसेज अभी तक दे चुके हैं ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे कि नेम ट्रांसफ़र है, वन टाइम लीज है, और 90A है, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल है, और पट्टा है। ये ऑलरेडी जो 5 सर्विसेज हम दे रहे हैं। आज रिकॉन्स्टिट्यूशन जो पुनर्गठन और सब डिविजन, वो एक सर्विस है, वो कई दिनों से लोगों की मांग थी कि साहब ये सर्विस भी ऑनलाइन होनी चाहिए। उसको देख